मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी से बागी हुए नारायण त्रिपाठी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि उनकी विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या है रणनीति उनकी, क्या कुछ उन्होंने कहा है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी से बागी हुए विधायक नारायण त्रिपाठी ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, विंध्य जनता पार्टी इसका नाम रखा गया। अलग विंध्य प्रदेश की मांग के साथ इस पार्टी का ऐलान नारायण त्रिपाठी ने किया था। अब एक निजी मीडिया हाउस से बात करते हुए नारायण त्रिपाठी ने यह साफ कहा है कि उनकी पार्टी यानी कि विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तमाम 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने इसके साथ ही अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह किसान रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी यानी कि विंध्य जनता पार्टी वोट काटने वाली पार्टी नहीं बनेगी, ये चुनाव परिणाम में साफ हो जाएगा। साथ ही बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि अगर विंध्य प्रदेश का समर्थन कर दे तो विंध्य पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि नारायण त्रिपाठी ने ये कहा कि अगर बीजेपी उनकी अलग विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन करती है तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं देखिए, माना यह जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र में बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी की पकड़ भी काफी जो है मानी जाती है। वहीं हाल ही में एक पोस्टर भी वायरल हुआ था जिसमें मैहर को अलग जिला बनाने का शुक्रिया अदा करते हुए नारायण त्रिपाठी दिखाई दिए थे और इस पोस्टर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं की तस्वीर उन्होंने लगाई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर लगाकर ये थैंक यू बोर्ड जो है उन्होंने लगाया था। लेकिन फिलहाल नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में खास तौर पे बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नारायण त्रिपाठी की पार्टी कितना परफॉर्म करेगी, जनता कितना उसे पसंद करेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी से बागी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके। क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।